हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम्स यू डॉट इन। एक ऐसा मंच, एक ऐसा ओपन प्लेटफॉर्म, एक ऐसा फ्री वेबसाइट जहां पे कोई भी टीचर अपने बच्चों के लिए CBT, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, या फ्री प्रैक्टिस सेट, या फ्री क्विज, या फ्री असाइनमेंट बना सकते हैं। और कोई भी स्टूडेंट यहां पे जो भी हमारा CBT है, फ्री प्रैक्टिस सेट है, उसको बिल्कुल फ्री में यूज़ कर सकता है। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास कोई क्वेश्चन टेक्स्ट में हो, जैसे देखो ये यहाँ पे ये क्वेश्चन है, तो ये जो क्वेश्चन है आप देख रहे हो ये टेक्स्ट में है, तो ये कॉपी पेस्ट हुआ था, ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता रखा है, लास्ट ट्यूटोरियल में बता रखा है। लेकिन ये जो क्वेश्चन है इसमें इमेज आ रहा है, तो इमेज तो टाइप हो नहीं सकता, तो इसे हमें कैसे लाना है मैं इस ट्यूटोरियल में आपको ये बताऊंगा। या ये देखो, ये इक्वेशन है, मैथ का इक्वेशन जो होता है वो जनरली टाइप तो वर्ड में हो जाता है, पेज मेकर में हो जाता है, बट इंटरनेट पे डायरेक्टली नहीं जा सकता, इसे हमें इमेज में काट के ले जाना पड़ेगा। तो ये मैं आपको बताऊंगा आज कैसे आप अपना, अगर ऑनलाइन असाइनमेंट, फ्री असाइनमेंट बना रहे हो, फ्री प्रैक्टिस सेट या क्विज बना रहे हो, या फ्री कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट बना रहे हो, तो कैसे करोगे। तो सबसे पहले आप लॉगिन कर जाओ। अगर आप नए यूज़र हो, आपके पास लॉगिन नहीं है, तो आप कॉन्टैक्ट में जाओ। कॉन्टैक्ट में जाने के बाद यहाँ एक फॉर्म आएगा, फॉर्म में अपना नाम, इंस्टीट्यूट नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, ई मेल आई डी वगैरह सब डाल के सबमिट कर दो, और लास्ट में ये भी टिक कर देना, आई वॉन्ट यूज़र आई डी फॉर ऑपरेटिंग CBT ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट। ये कर देने से 24 घंटे से 48 घंटे के अंदर में examco.in की टीम आपको कांटेक्ट करेगी और आपको आपका यूज़र आईडी प्रोवाइड करा देगी। तो हमें लॉगिन करना है, तो आप यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करो और आप अपना यूज़र आईडी खोलो। मेरा यूज़र है डेली करंट अफेयर, जिसका यूज़र नेम आईडी DCA है और ये पासवर्ड है, ये मैं डालता हूँ। तो DCA आपका जो भी हो, आपके कोचिंग के नाम का, आपके इंस्टीट्यूट का नाम का, वो यहाँ पे आएगा। तो यूज़र आईडी DCA को मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। उसके बाद मैं अपने यूज़र नेम के बाद मैं अपने पासवर्ड को लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और मैं लॉगिन करता हूँ। ये आपने पिछले वीडियो में भी देखा था, लॉगिन करने के बाद टेस्ट क्विज़ ये यहाँ पे आ रहा है। यहाँ पे ऑल टेस्ट क्विज़ में जाओ। ऑल टेस्ट क्विज़ में जाने के बाद देखो, आपने पीछे जो क्विज़ बना रखा है वो आ रहा है। अगर आपने कोई नया बनाना चाहते हो, ओके, तो उसके लिए ऐड न्यू पे करेंगे, ओके। और अगर आप बिल्कुल नए नए यूज़र हो, बिल्कुल फ्रेश यूज़र हो, तो आप ये कुछ भी नहीं देख पाओगे। और अगर आप पुराने किसी भी अपने टेस्ट को, क्विज़ को, असाइनमेंट को चेंज करना चाहते हो, तो यहाँ पे क्लिक करो, वो खुल जाएगा, आप उसे एडिट कर सकते हो। तो पहले हम देखते हैं, चलो हम पहले देखते हैं कि इमेज वाला क्वेश्चन हम कैसे अपलोड करते हैं, मैं आपको बताता हूँ। तो आप ऐड टेस्ट क्विज पे क्लिक करो, एक नया विंडो ओपन कर लो। मैंने आपको बताया था कि जब आप न्यू टेस्ट या क्विज या असाइनमेंट या आप CBT बनाते हो, तो यहाँ पे आपको टाइटल डालना होता है सबसे पहले। तो मैं अपने टेस्ट का नाम रखता हूँ टेस्टिंग क्वेश्चन अपलोडिंग, ठीक है, टेस्टिंग क्वेश्चन अपलोडिंग, ये मैंने डाल दिया। उसके बाद मैंने आपको बताया था यहाँ क्रिएटेड बाई आपको डालना होगा, ये चेक करना बहुत ज़रूरी है, अक्सर हाँ लोग ये भूल जाते हैं, ये मत आप भूलना, ये आप ले लो। और लेने के बाद क्रिएटेड बाई ये चेक कर लो, ये चेक नहीं करने से आपका क्वेश्चन नहीं आएगा। उसके बाद फीचर इमेज, फीचर इमेज में आप अपना लोगो अटैच कर लो, यहाँ पे क्लिक करो। तो देखो यहाँ मीडिया लाइब्रेरी में बहुत सारा इमेज आ रहा है, जो आपका लोगो है सेलेक्ट कर लो। अगर आपका लोगो यहाँ नहीं दिख रहा है, जल्दी से सर्च करना है, तो ये सर्च मीडिया आइटम है, जैसे मेरा करंट अफेयर, CURRENT करंट अफेयर। तो देखो ये मेरा लोगो आ गया यहाँ पे, ओके। तो मैंने ये लोगो अपना सेलेक्ट कर लिया, सेट फीचर इमेज कर लिया, देखो यहाँ पे लोगो आ गया। तो जो आपका लोगो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ बॉक्स में आप कुछ लिख सकते हो, अपना मैसेज लिख सकते हो। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फ्री टेस्टिंग ऑफ क्वेश्चन अपलोडिंग, ओके। जनरली यहाँ पे टीचर लोग इंस्ट्रक्शन लिखते हैं, इंस्ट्रक्शन में जैसे कि क्विज में कितने क्वेश्चन हैं, कितने टाइम में सॉल्व करना है, कितना नंबर है उसके लिए। तो और यहाँ से आप इसका अलाइनमेंट वगैरह सेट कर सकते हो, फॉन्ट साइज छोटा बड़ा करना ये कर सकते हो, फॉन्ट चेंज करना है ये कर सकते हो, फॉन्ट में कुछ कलर डालना है कलर डाल सकते हो। तो ये बेसिक एडिटिंग होता है। तो यहाँ पे आप कुछ भी थोड़ा सा टेक्स्ट टाइप कर दो, या अपना कुछ इंस्ट्रक्शन बना रखा है वो टाइप कर सकते हो। विस्तार में जानना चाहते हो तो इसके पीछे वाले वीडियो जो है वो आप देख सकते हैं, वो देखिए, ओके।
उसके बाद मैंने आपको बताया था एडिट स्निपेट। एडिट स्निपेट में हम अपना टारगेट कीवर्ड वगैरह डालते हैं। ये भी अगर आप डिटेल में देखना चाहते हैं तो इसके पीछे वाला जो ट्यूटोरियल है, स्टेप टू का ट्यूटोरियल, ये स्टेप थ्री है, वो आप देखिए। ओके, नीचे आ जाइए क्वेश्चन ऐड में, ठीक है। क्रिएट टेस्ट क्विज, यहाँ पे हम क्वेश्चन ऐड करेंगे। सबसे पहले आप अपने टेस्ट क्विज असाइनमेंट के लिए टाइम डालिए जो कि मिनट में होगा। मैं चलो मान लेता हूँ 10 मिनट, मैंने टाइम फिक्स किया कि ये जो मैं सेट बना रहा हूँ उसके लिए 10 मिनट। यहाँ पे ऐड क्वेश्चन आ रहा है, इस पर आप क्लिक कीजिए। ऐड क्वेश्चन पे क्लिक करते हैं, देखिए क्वेश्चन वन आ गया। यहाँ पे हम टेक्स्ट डालते हैं, अगर जो क्वेश्चन टेक्स्ट में नहीं है, इमेज में है, तो उसका इमेज का लिंक यहाँ पे डालते हैं और यहाँ पे राइट आंसर डालते हैं। तो मैं अपने क्वेश्चन में आता हूँ। तो क्वेश्चन अपलोड करने के लिए सबसे पहले हमारे पास टेक्स्ट का क्वेश्चन है, ये दो क्वेश्चन टेक्स्ट का है वो मैं करता हूँ। सबसे पहले बताता हूँ, क्वेश्चन को कॉपी करो और यहाँ पे जाके क्वेश्चन टेक्स्ट में पेस्ट कर दो, चूँकि इस नंबरिंग नहीं लेंगे क्योंकि नंबरिंग हमारा वहाँ आता है। ओके, उसके बाद क्वेश्चन इमेज लिंक को छोड़ देंगे क्योंकि ये जो क्वेश्चन है हमारा, इसमें कोई इमेज नहीं है, ऐसे ही आ जाएगा। अब हमारा ऑप्शन है 2:3। अब यहाँ पे ऐड ऑप्शन, ऐड ऑप्शन पे क्लिक करो। ऐड ऑप्शन पे, ऐड ऑप्शन पे, ऐड ऑप्शन पे, चार हमारे पास ऑप्शन है, 3, 4, 5, जितने चाहे ऑप्शन ले सकते हो। जो नहीं चाहिए, देखो साइड में ऐसा ही आ रहा है, माइनस आ रहा है, उस पर क्लिक करो, देखो डिलीट हो जाएगा। माइनस करो, डिलीट हो जाएगा। हमें चार ही चाहिए, दो और डिलीट करना है। चलो हो गया, डिलीट हो गया। तो हमने ऑप्शन वन में ये डाल दिया 3:2:3। उसके बाद क्या है, 3:2। आप चाहो तो इसे लिख भी सकते हो, यहाँ टाइप भी कर सकते हो, 3:2, ठीक है, ये टाइप भी आप कर सकते हो, लेकिन लिखा हुआ है तो कॉपी पेस्ट करो, इससे थोड़ी आसानी होती है। 4:9, 4:9 को आप डालो। नेक्स्ट क्या है, 9:4, इसे कॉपी करो। ये चारों आपने डाल दिया। अब इसका सही आंसर मान लो ये 2 वाला है, तो आप इसे कॉपी करो सेकंड ऑप्शन और राइट आंसर में डाल दो। अगर आप चाहो तो इसका एक्सप्लेनेशन भी कुछ लिख सकते हो, या आपके पास यहाँ पे टाइप है तो यहाँ से, सॉरी यहाँ पे टाइप है तो यहाँ से कॉपी पेस्ट कर सकते हो। चूँकि अभी हमारे पास एक्सप्लेनेशन नहीं है तो हम इसे छोड़ देंगे। ओके, हम इसे छोड़ देंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन ऐड करते हैं। अभी हमने क्या देखा, पहले क्वेश्चन को कॉपी पेस्ट करते हैं, फिर ऑप्शन को एक एक करके कॉपी पेस्ट करते हैं। तो चार ऑप्शन एक क्वेश्चन, 5 बार कॉपी पेस्ट करना पड़ता है, तो ये टाइम ज़्यादा लेता है। तो हम इस टाइम को रिड्यूस करने के लिए क्या कर सकते हैं, ये जो क्वेश्चन है पूरा का पूरा एक साथ कॉपी कर ले सकते हैं। मैं आपको दूसरे क्वेश्चन में करके दिखाता हूँ। देखो यहाँ से यहाँ मैं एक साथ मैंने कॉपी कर लिया, पूरा का पूरा क्वेश्चन कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैं ऐड क्वेश्चन करता हूँ दूसरे क्वेश्चन के लिए। देखो यहाँ क्वेश्चन 2 आ गया। अब मैं क्वेश्चन टेक्स्ट में जाता हूँ और पूरा का पूरा क्वेश्चन यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। देखो नीचे एक स्पेस ज़्यादा आ गया है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अब ये क्वेश्चन है और इसमें नंबरिंग आ रहा है, नंबरिंग भी नहीं चाहिए हमें, इसे भी मैं डिलीट कर देता हूँ। क्वेश्चन इमेज लिंक अभी छोड़ देते हैं क्योंकि इसके बाद वाले क्वेश्चन में इमेज है, इसके बाद वाले क्वेश्चन में इमेज है, तो हम अभी बाद में यूज़ करेंगे। अभी इसके चार ऑप्शन है, ABCD, ऐड ऑप्शन, ऐड ऑप्शन, ऐड ऑप्शन, ऐड ऑप्शन, चार बार हमने कर लिया। मैंने आपको बताया था डिलीट करना हो तो यहाँ माइनस आता है, जिसको भी डिलीट करना, फर्स्ट वाले को डिलीट करना तो ये, और क्वेश्चन अगर डिलीट करना है तो यहाँ पे आओ, देखो क्वेश्चन को डिलीट करने का ये ऑप्शन आ रहा है। तो फिलहाल हम ये, हमें क्वेश्चन डिलीट नहीं करना है तो हम उसे छोड़ देंगे। और इस ऑप्शन में आप ABCD लिख दो, क्योंकि ये चार ऑप्शन हमारे पास हैं, ABCD चार ऑप्शन में लिख दिया। अब मान लो इसका, इस प्रश्न का आंसर डी है, तो हम यहाँ राइट आंसर में डी लिख देंगे। तो देखा, आपको एक बार कॉपी पेस्ट करना पड़ा वर्ड से, वर्ड से एक ही बार हमने कॉपी किया, एक ही बार में यहाँ पे पेस्ट कर दिया, और बाकी ABCD जो ऑप्शन है, या यहाँ पे ऑप्शन 1, 2, 3 होता वो लिख देते, हम वहाँ पे वो लिख देंगे। तो इससे ज़्यादा कॉपी पेस्ट नहीं करना पड़ेगा, आपको थोड़ा आसानी होगा। ओके, ये हो गया। अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन ऐड करना है, क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 में आते हैं। तो देखो क्वेश्चन 3 में जो है इमेज है, ये हम टाइप नहीं कर सकते। ओके, थोड़ा सा मैं इसे छोटा कर लेता हूँ। ये देखो, ये क्वेश्चन है, इसे हम टाइप नहीं कर सकते, ठीक है। इसको मैं एंटर एंटर एंटर, अच्छा ये मैंने सुधर कर दिया, ये क्वेश्चन है। ओके, ये क्वेश्चन है। अब इसका आप, ये क्वेश्चन भी नहीं टाइप हो सकता, ये क्वेश्चन भी। अभी जैसे देखो ये है, इसका मान निकाले, मैं इसे कॉपी करता हूँ और इधर मैं पेस्ट करता हूँ। देखो ये नहीं आ पा रहा है ठीक से। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, इस क्वेश्चन का इमेज काट लेता हूँ। इमेज कैसे काटेंगे, यहाँ पे आओ, सबसे पहले तीसरा क्वेश्चन हमें उठाना है। ओके, तो इससे ऐसे ही सिलेक्ट करो। अब अपने आप
लैपटॉप में या कंप्यूटर में कीबोर्ड में एक प्रिंट स्क्रीन होता है, प्रिंट स्क्रीन PRTSC, उसे प्रेस कर लो। प्रिंट स्क्रीन आप प्रेस कर लो, उसके बाद आप पेंट विंडो खोल लो। ओके, पेंट विंडो खोलो, ये आपके सामने खुल गया आपका पेंट विंडो। ये पेंट विंडो आ रहा है, इसमें आप पेस्ट कर दो, जो आपने प्रिंट स्क्रीन किया है वो क्लिपबोर्ड में सेव हो गया। आप ये पेस्ट बटन आ रहा है, यहाँ आओ, पेस्ट बटन पे क्लिक करो। पेस्ट पे क्लिक करो तो देखो ये क्वेश्चन यहाँ पे आ गया। अभी ये आजू बाजू में बहुत फालतू स्पेस है, इसको हटा लो। ये यहाँ पे सेलेक्ट आता है, सेलेक्ट से मैं यहाँ सेलेक्ट करता हूँ, सेलेक्ट करके थोड़ा जूम कम कर लो ताकि ये दिखाई दे। ये मैंने सेलेक्ट बटन लिया और यहाँ से यहाँ पूरे क्वेश्चन को मैंने सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद ये क्रॉप पे क्लिक कर लो। देखो हमारा ये पूरा क्वेश्चन नंबरिंग हटा दो, ये क्वेश्चन विथ ऑप्शन आ गया। हम ऐसा भी कर सकते थे कि क्वेश्चन ले सकते थे और ये चार जो इसके ऑप्शंस आ रहे हैं, जो आप ये ऑप्शन देख रहे हो, चार ऑप्शन, शंखु, कोण, ट्रवे, तो इसे हम वहाँ पेस्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे ऑप्शन होता है तो यहाँ पे पेस्ट भी कर सकते हैं, बार बार कॉपी पेस्ट ना करना पड़े। इसके लिए मैंने क्या किया, डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन और आंसर दोनों एक साथ ले लिया। ये हो गया, अब हम इसे सेव करेंगे। फाइल में मैं जाता हूँ, सेव एज में जाता हूँ, और सेव एज में मैं जिफ करूँगा, GIF। यहाँ पे GIF, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, यहाँ पे फॉर्मेट लेना है GIF, JPEG नहीं लेंगे क्योंकि JPEG हैवी होता है। हमारा इमेज जो है जनरली ब्लैक एंड वाइट होता है। ओके, ब्लैक एंड वाइट है क्वेश्चन, ब्लैक एंड वाइट होता है, तो इसके लिए जिफ लेंगे। इसका फ़ायदा ये होता है कि फाइल साइज़ बहुत ही हल्का होता है। अगर आप जेपैग लोगे ब्लैक एंड वाइट इमेज में तो वो थोड़ा हैवी हो जाएगा। हालांकि जेपैग जो है, ये जेपैग जो है, JPEG, हल्का फॉर्मेट है, लेकिन फिर भी ये कलर के लिए यूज़ होता है, ब्लैक एंड वाइट के लिए नहीं। आप GIF ले लो। GIF लेने के बाद आप एक फोल्डर बना लो, कोई सा भी एक फोल्डर। मैं डेस्कटॉप पे एक फोल्डर बना लेता हूँ जिसका नाम रखता हूँ ट्राई क्वेश्चन, क्योंकि ये हमारा ट्राई है। आप पार्टिकुलर इसमें सेट का अपना नाम लिखना, डेट लिखना, ताकि ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आए। जैसे मैं प्रॉपर नाम ही लिखता हूँ, ऑन लाइन प्रैक्टिस सेट ऑफ MA मैथ, और जो भी उस दिन का डेट हो आप वो लिख दो, लेट से 2 APRIL, 2 अप्रैल। ठीक है, ये आप फोल्डर बना लो। फोल्डर में जाओ और इसे Q3 के नाम से सेव कर दो। ठीक है, क्वेश्चन 3 के नाम से सेव हो गया। मैं इसको थोड़ा चेक कर लूँ डेस्कटॉप पे, ये हमारा आ गया है या नहीं। डेस्कटॉप पे देखो ये हमारा फोल्डर है, मैं क्लिक करता हूँ, देखो ये आ गया। और इसका फाइल साइज़ भी देखो 14 KB है, साइज जो है 14 KB, हल्का है, काफ़ी है। ओके, अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। यहाँ पे हमारे पास देखो ये एक दो क्वेश्चन और है, ये भी हमें लेना है। तो मैं क्या करता हूँ, प्रिंट स्क्रीन क्लिक करता हूँ और इन दोनों इमेज को एक साथ ले लेता हूँ। प्रिंट स्क्रीन मैंने प्रेस किया, कीबोर्ड पे प्रिंट स्क्रीन प्रेस करना है, याद रखिएगा। अभी मैं प्रिंट विंडो में जाता हूँ, ओके, न्यू फाइल लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। पेस्ट, पेस्ट में देखो ये हमारे पास यहाँ पे दो तो क्वेश्चन आ गया। ठीक है, यहाँ 1 2 लिखा हुआ है, एक्चुअली ये क्वेश्चन 4 है, ये 5 है। ओके, अभी मैं क्या करता हूँ, सेलेक्ट लेता हूँ और ये क्वेश्चन 4 को यहाँ से यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ, मुझे बस इतना ही चाहिए, और ये क्रॉप करता हूँ। देखो क्वेश्चन 4 हो गया, अभी सेव करना है सेव एज, और सेव एज क्या करना है, GIF में सेव करना है, JPEG में नहीं करना है, इसमें GIF में करना है। GIF सेलेक्ट करो, देखो यहाँ पे GIF आ रहा है, यहाँ से भी आता है, और ये क्वेश्चन 3 है तो Q3 के नाम से सेव कर दो आप। ये सेव हो गया, ओ सॉरी, ये 3 नहीं, ये 4 होगा ना, ये 4 है, 4 के नाम से आप सेव कर दीजिए। ओके, ये सेव हो गया। हम इसके साथ पुराना क्वेश्चन भी था, तो अभी आप वापस जाके यहाँ से कॉपी पेस्ट मत करो। यहाँ से फिर से अगर आप जाके कॉपी पेस्ट करोगे तो लंबा समय लगेगा। यहाँ पे अंडू करो, यहाँ पे आपको मालूम है अंडू आता है, अंडू करो, देखो पूरा इमेज फिर से आ गया। और अब हमारे पास ये क्वेश्चन है, 5th क्वेश्चन है, इसको ले आना है। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से यहाँ इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैंने आपको बताया आप इतना ले जा सकते हो या इतना भी ले जा सकते हो। अगर हम इतना ले जाएंगे तो ये जो संख्या है ये हमें वहाँ पे ऑप्शन का जो यहाँ पे विंडो आता है, ये जो देखो ऑप्शन का जो बॉक्स आ रहा है, यहाँ हमें टाइप करना पड़ेगा। लेकिन चूंकि हम टाइम बचाना चाहते हैं इसलिए मैं पूरे को ले लेता हूँ। ओ सॉरी, इसको कैंसिल करो, अंडू करो,
फिर से सिलेक्शन लो और ये बॉक्स बनाओ। ये बॉक्स बन गया, अब यहाँ पे क्रॉप पे क्लिक करो। देखो ये क्वेश्चन हमारा फाइव तैयार हो गया। फाइल में जाओ, सेव एज में जाओ, GIF, ऑलवेज रिमेम्बर GIF में ही सबसे हल्की फाइल साइज होती है ब्लैक एंड वाइट टेक्स्ट इमेज की। सेव करो और ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन फाइव। फाइव में सेव करो, फाइव सेव हो गया। आप फोल्डर में आके देख लो, क्वेश्चन 3, 4, 5 सारा सेव हो गया। ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट ऑफ मैथ 2 अप्रैल, मैंने नाम से डेस्कटॉप पे सेव किया हुआ है। ओके, ये हमने सेव कर लिया। अब है हमें इसे अपलोड करना है, तो अपलोड हम यहाँ नहीं करेंगे, इस कंट्रोल पैनल में नहीं करेंगे, अपने क्वेश्चन आंसर के गूगल ड्राइव में करेंगे। आपका अपना जीमेल अकाउंट होगा, आप जीमेल अकाउंट में चले जाओ, आप अपने ब्राउज़र को ओपन करो। ओके, यहाँ पे आप जीमेल अकाउंट ओपन करो अपना। जीमेल अकाउंट से ही आपका जो है वो गूगल ड्राइव भी ओपन हो जाएगा। एक नया विंडो में ओपन करता हूँ और ड्राइव गूगल लिखता हूँ, गूगल क्रोम ड्राइव आ गया। ये मैं गूगल ड्राइव ओपन कर लेता हूँ। ये देखो यहाँ पे आ रहा है गो टू गूगल ड्राइव। ठीक है, अगर आप पहली बार आ रहे हो तो ऐसा ये बोलेगा, और अगर आप बार बार आ रहे हो तो डायरेक्ट आप इन कर जाओगे। चूंकि मैं यहाँ पहली बार आ रहा हूँ तो इसने मेरे को पूछा गो टू गूगल ड्राइव, अदरवाइज आप यहाँ डायरेक्टली इन कर जाओगे। देखो आप इन कर गए यहाँ पे। अब यहाँ पे मेरी कुछ फाइलें पहले से पड़ी हुई हैं। ठीक है, अब मैं जाता हूँ डेस्कटॉप पे, हमने जो बनाया है। ओके, डेस्कटॉप पे आप जाओ, हमारा ये है ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट, तो आप ये ओपन करो। और ये जो ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट है, एक मिनट, ये है, इसको ड्रैग करके इसमें डाल दो कॉपी। ये हमने डाल दिया, ये देखो ये फोल्डर अपलोड हो रहा है यहाँ पे। देखो ये अपलोड हो रहा है अभी, वन अपलोड कंप्लीट। ओके ओके हो गया, और ये देखो आ गया हमारा। देखो ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट ये दिख रहा है, ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट ऑफ मैथ 2 अप्रैल। ठीक है, ये 2 अप्रैल का ये आ गया। अगर आप इस फोल्डर को ओपन करो तो देखो यहाँ पे आपके ये क्वेश्चंस दिखाई देंगे। समझ रहे हो आप बात को, ये दिख रहा है। बैक स्पेस करके जा सकते हो, बैक स्पेस भी। ये देखो ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट, यहाँ पहले से और विकास मैथमेटिक्स या और भी फोल्डर लोड है, उसमें अलग अलग क्वेश्चन है, लेकिन हमारा क्वेश्चन इसमें लोड है, तो हमने ये देखेंगे। अब इसे आप ओपन करो, ओपन करो तो देखो क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5। अभी हमें क्वेश्चन 3 डालना है, तो क्वेश्चन 3 को आप इमेज को डबल क्लिक करके ओपन करो। डबल क्लिक करके ओपन करेंगे, ये देखो हमारा क्वेश्चन आ रहा है कोने में। देखो यहाँ पे कोने में तीन बिंदी आ रहा है, ठीक है, तीन डॉट्स। इस पर आपने जाना है, क्लिक करना है और शेयर, शेयर पे क्लिक करना है। जैसे आप शेयर पे क्लिक करोगे, ये एक लोडिंग बॉक्स आ रहा है जिसे चलने देना है। मेरा स्पीड इंटरनेट का थोड़ा स्लो है, इसलिए थोड़ा स्लो हो रहा है। यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है गेट शेयरेबल लिंक, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप गेट शेयरेबल लिंक करते हो तो यहाँ पे देखो ये लिंक आ गया, ये लिंक आ गया। अब इसे आपको कॉपी लिंक करना है, कॉपी लिंक करके हमें ये पूरा लिंक नहीं पेस्ट करना, इसका एक पार्ट करना है। तो कॉपी लिंक आपने किया, कॉपी लिंक करने के बाद मैं आपको दिखा दूँ। आप नोटपैड खोलो पहली बार समझने के लिए, मैं आपको नोटपैड में करके दिखाता हूँ। फॉन्ट साइज थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, 20 दिखेगा। और नोटपैड में इस लिंक को मैंने पेस्ट कर दिया। अभी हम ये पूरा लिंक नहीं ले जाएंगे, हम जो ले जाएंगे, देखो ये लिंक, देखो यहाँ से यहाँ 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 ये डी तक आता है, डी के आगे का पार्ट, और यहाँ पे लास्ट में देखो ये जो व्यू आ रहा है, व्यू के पहले का पार्ट। तो डी, डी से आगे और व्यू से पहले, ये जो है दिस इज़ द आईडी, ये आईडी है आपके इमेज का, ये हमें चाहिए, ये दोनों आगे पीछे नहीं चाहिए। इसे मैं कॉपी करूँगा और एड टेस्ट क्विज में आऊँगा। ये थर्ड क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन टेक्स्ट में नहीं आएगा तो इस फील्ड को हम खाली छोड़ देंगे, ब्लैंक छोड़ देंगे। क्वेश्चन इमेज लिंक आईडी, ये आईडी है जो हमने कॉपी किया है, उसे पेस्ट कर देंगे। ठीक है, मैं फिर से दिखा रहा हूँ, ये जो आईडी है इसको हमने सबसे पहले तो यहाँ से कॉपी किया, कॉपी करने के बाद नोटपैड में पेस्ट किया, और इसके बाद ये इसे सेपरेट किया, यहाँ डी के बाद का और व्यू के पहले का, और ये पोर्शन कॉपी करके
एड टेस्ट में कुछ जाके यहाँ डाल दिया। ओके, अभी देखने वाली बात यह है, ये हो गया है, आप इसे डन करो। डन किया तो इसमें चार ऑप्शन भी आ रहे हैं, ए बी सी डी। तो हम यहाँ पे चार ऑप्शन ए बी सी डी ए बी सी डी डाल देंगे, और इसका जो राइट आंसर है, मान लो ए इसका राइट आंसर है, डाल देंगे। कुछ एक्सप्लेनेशन लिखना चाहते हो तो लिख देंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन थ्री हो गया। अब ऐड क्वेश्चन, क्वेश्चन फोर करेंगे। फोर में आ जाओ आप, गूगल ड्राइव में आ जाओ। ये हो गया हमारा क्वेश्चन थ्री का काम हो गया, क्वेश्चन थ्री का काम हो गया। ओके, अब क्या करो आप, बैक जाओ। एक मिनट, ये देखो यहाँ पे बैक बटन आ रहा है, अब बैक जाओ। बैक चले गए, क्वेश्चन थ्री हो गया। अभी क्वेश्चन फोर डालना है, इस पर डबल क्लिक करो। ये देखो क्वेश्चन फोर आ गया आपको आपका। अब इसे कॉपी करना है, तो देखो बाजू में तीन बिंदी आ रहा है, वही प्रोसेस है। क्लिक करो, शेयर पे क्लिक करो। शेयर पे आपने क्लिक किया, उसके बाद है गेट शेयरेबल लिंक। ओके, क्लिक करो। जैसे क्लिक करोगे इस पर थोड़ा प्रोसेसिंग में टाइम लगेगा, और ये आपका लिंक आ गया। कॉपी लिंक करो, कॉपी लिंक करो, कॉपी हो गया। लास्ट टाइम हमने इसे नोटपैड में पेस्ट किया था, वो मैंने समझाने के लिए किया था, लेकिन आप ज़्यादा टाइम मत लगाओ। आप सिंपली यहाँ पे आओ। अभी हमें चौथे क्वेश्चन को, थर्ड क्वेश्चन तो हो गया है, चौथा क्वेश्चन डालना है। और चूंकि चौथे क्वेश्चन में टेक्स्ट नहीं है, इमेज डालना है, तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ डायरेक्टली। और मैंने क्या बोला था, डी के बाद का और व्यू के पहले का। तो व्यू है, व्यू के आगे जो मैटर है मैं उसको सेपरेट कर देता हूँ, और यहाँ से आगे जितना भी है उसे डिलीट कर देता हूँ। और यहाँ पे देखो डी के पहले जितना मैटर है उसको ले लेता हूँ और डिलीट कर देता हूँ। तो देखो मेरे पास वो इमेज बच गया। ओके, और देखो इसमें क्या है, डन। इस क्वेश्चन में भी चारों ऑप्शंस आ रहे हैं, तो हमें बस ए बी सी डी लिखना है। अगर हमने ए नहीं लिया होता, सिर्फ इतना पोर्शन लिया होता, तो हमें ये पूरा लिखना होता। ए बी सी डी लिखना पड़ेगा हमें यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं ऐड ऑप्शन, ऐड ऑप्शन, ऐड ऑप्शन, ऐड ऑप्शन। अब यहाँ पे ए बी सी डी, अब लेट्स से इसका आंसर डी है, मैं राइट आंसर में डी टाइप करता हूँ। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। एक लास्ट क्वेश्चन है, हम फिर से देखते हैं, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर हम ऐड क्वेश्चन पे क्लिक करते हैं, फाइव क्वेश्चन है। अब मैं फिर अपने गूगल ड्राइव में जाता हूँ। गूगल ड्राइव में जाने के बाद यहाँ पे बैक बटन प्रेस करता हूँ। अब मेरा ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन, इसको मैं डबल क्लिक करता हूँ। ये मेरा क्वेश्चन खुल गया, मैंने आपको बताया था बाजू में तीन बिंदी आता है। क्लिक करो, शेयर पे क्लिक करो। शेयर पे क्लिक किया, अब यहाँ गेट शेयरेबल लिंक, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करो, आ गया ये लिंक आ रहा है, कॉपी लिंक। कॉपी लिंक पे क्लिक करो, अपने कंट्रोल पैनल में आ जाओ। कंट्रोल पैनल में आ गए, यहाँ पे टेस्ट क्वेश्चन है, इसे आप छोड़ दो। इमेज लिंक आईडी पे आना है, यहाँ पे क्लिक करो और पेस्ट कर दो। पेस्ट हो गया, और मैंने आपको बताया था व्यू के आगे का पार्ट हमें नहीं चाहिए, तो ये सिलेक्ट करो और व्यू के आगे का पोर्शन को डिलीट कर दो। और उसके बाद यहाँ देखो डी के पहले का जितना है इसे भी आप सेलेक्ट करो और डिलीट कर दो। ओके, क्योंकि इसमें भी हमारा चार ऑप्शन आ रहा है, डन। इसमें भी देखो चार ऑप्शन आ रहा है, तो हमें सिर्फ ए बी सी डी टाइप करने की ज़रूरत है, ए बी सी डी टाइप कर दिया। इसका राइट आंसर मान लो ए है, तो ए लिख दिया। तो देखो इस तरीके से हमने चारों, ये पांच क्वेश्चन थे, तो जितने इमेज थे उसको, उसके हम लिंक खुलाएंगे गूगल ड्राइव से, और जो सिंपल टेक्स्ट है, जो सिंपल टेक्स्ट है यहाँ पे देखो, उसको हमने यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया। ये सब करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे पब्लिश, पब्लिश कर देंगे। ओके, पब्लिश। तो हमारा टाइटल देख लो, ये टेस्ट क्वेश्चन ये है, हमने इंस्ट्रक्शन में ये लिखा हुआ है, आप जो चाहे लिख सकते हो, या अपना इंस्ट्रक्शन बना के वर्ड में टाइप करके रखे रहो, या कॉपी पेस्ट मार देना। ये हो गया है, ये अपलोड हो गया। अब चेक कर लेते हैं, मैं यहाँ पे आता हूँ ब्राउज़र में, www.examsu.in टाइप करता हूँ, साइट ओपन होएगा। ओके, थोड़ा स्पीड स्लो है, धीरे धीरे ओपन हो रहा है। ये साइट ऐसा ओपन हो गया, मैं आपको दिखाता हूँ मोबाइल व्यू में कैसा होगा, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे मोबाइल में ही देखते हैं। अगर आप लैपटॉप पे देखोगे तो ऐसा दिखेगा, मोबाइल में हमें देखना है, मोबाइल में हमें देखना है, तो मोबाइल में ये आपको ऐसा दिखेगा। ओके, मोबाइल में ये ऐसा दिख रहा है,
ये examco.in फ्री प्रैक्टिस सेट या CBT किसी पे भी आप क्लिक करो। जैसे आप क्लिक करते हो नीचे आ जाओ। हमारा यूज़र क्या था मैंने आपको पहले बताया था। आपका जो भी कंपनी हो, जो भी इंस्टीट्यूट हो, जो भी कोचिंग हो, जो भी टीचर हो आप, हमारा ये डेली करंट अफेयर है। तो ये डेली करंट अफेयर में मैं जाता हूँ। यहाँ जाने के बाद मैं देखो टेस्टिंग क्विज क्वेश्चन अपलोडिंग ये आ रहा है यहाँ पे। टेस्टिंग क्वेश्चन अपलोडिंग जो हमारा था नाम हमने लिया था, कंट्रोल पैनल में देखो ये आ रहा है। ओके अब मैं इसे चेक करता हूँ। तो यहाँ देखो टेस्टिंग अपलोडिंग क्विज ये आ रहा है। मैंने इसको क्लिक किया। क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पे कोचिंग इंस्टीट्यूट या टीचर का नाम आ रहा है, यहाँ टेस्ट का नाम आ रहा है। टू प्रैक्टिस दिस टेस्ट क्विज गो डाउन एंड क्लिक ऑन स्टार्ट बटन। स्टार्ट बटन पर क्लिक करना है और फ्री टेस्टिंग ऑफ क्वेश्चन अपलोडिंग। यहाँ हमने टेक्स्ट बॉक्स में ये डाला था तो ये आ रहा है। आप इंस्ट्रक्शन डालोगे पॉइंट वाइज, इंस्ट्रक्शन नंबर वन, इंस्ट्रक्शन नंबर टू, इंस्ट्रक्शन नंबर थ्री, तो वो आएगा या जो भी मैसेज डालोगे आएगा, तो ये आ रहा है। अब स्टार्ट टेस्ट क्विज पे क्लिक करते हैं। ओके स्टार्ट टेस्ट क्विज पे क्लिक किया हमने। ओके तो यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन ऐसा आ रहा है। डेली करंट अफेयर मतलब ये कोचिंग का नाम हो गया, टीचर का नाम हो गया या आपके सब्जेक्ट का नाम हो गया। टाइमिंग देखो स्टार्ट है, हमने 10 मिनट लिया था, टाइमर स्टार्ट हो गया। क्वेश्चन वन ये देखो आ रहा है और इसके ऑप्शंस आ रहे हैं। अच्छा सेलेक्ट कर सकता है फिर नेक्स्ट। ओके अब दूसरा है कमरे की लंबाई चौड़ाई और देखो उसके ऑप्शन यहीं पे आ रहे हैं क्योंकि हमने पूरा कॉपी किया था। इसका आंसर मान लो बी ले लेता है। ये देखो अब ये इमेज आ रहा है क्योंकि ये क्वेश्चन हमने इमेज में लिया था। तो देखो ये क्वेश्चन पूरा इमेज में आ रहा है, ऑप्शन भी इसके साथ में है। चूँकि हमने ऑप्शन को इमेज में ही रख दिया था तो यहाँ पर आ रहा है। अगर आप इसको अलग अलग टाइप करते तो यहाँ भी आ सकता था। ठीक है ए बी सी डी कौन सा इसका ऑप्शन है। ओके जो भी है देख के यहाँ नेक्स्ट करो। ठीक है ये अगला क्वेश्चन आ रहा है, ऐसा आ रहा है। जो भी है आप सेलेक्ट करो और उसे नेक्स्ट करो। फिर देखो यहाँ पे क्वेश्चन 5 है, ये भी देखो इमेज है, इसमें भी ऑप्शन आ रहे हैं। अब इसका जो भी है सेलेक्ट कर लिया और बच्चा फिर सबमिट कर देगा। ये सबमिट हो गया और ये यहाँ पे आंसर आ जाएगा। 2 करेक्ट 3 करेक्ट जितना भी करेक्ट है वो करेक्ट आएगा, जितना इनकरेक्ट है वो इनकरेक्ट में आ जाएगा। और बच्चा चाहे तो अपना व्यू आंसर में भी इसको देख पा सकता है। देखो आंसर में भी ये पूरा ऐसा आ रहा है। आई बात समझ में, ये आ रहा है। तो इस तरीके से आप कोई भी क्वेश्चन जो है उसे आप अपलोड कर सकते हो, ऐसे क्वेश्चन जो कि टाइप नहीं हो सकते। तो इस ट्यूटोरियल में हमने ये देखा है। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मैं आपको ये बताऊंगा। हाँ मैं आपको एक ज़रूरी बात ये बता दूं, ये जो फॉन्ट, ये जो टेक्स्ट आ रहा है हिंदी का, ये यूनिकोड में, मंगल में टाइप है, यूनिकोड में है, इसलिए हम इसको डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर पा रहे हैं। आपको अपने कोड को यूनिकोड में मतलब मंगल में टाइप करना होगा। ये टाइप कैसे करते हैं, इसकी विधि, इसका तरीका मैंने एक दूसरे ट्यूटोरियल में बता रखा है, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स आता है या कमेंट बॉक्स आता है, इन दोनों में दे रखा है, या ऊपर कोने में आई बटन आता है उसमें दे रखा है। और दूसरी बात, अगर आपके पास कोई पुराना टेक्स्ट है जो कि कुर्ति देव या वाक्पन चाणक्या में टाइप किया हुआ है, तो उसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके लिए भी मैंने एक ट्यूटोरियल बता रखा है। बेसिकली आपको करना क्या पड़ेगा, आपको गूगल ओपन करके लिखना पड़ेगा कन्वर्ट कुर्ती देव टू यूनिकोड या कन्वर्ट वाक्पन चाणक्या टू यूनिकोड। वो कन्वर्टर का ये खुल जाएगा, साइट खुल जाएगा, वहाँ पे आप अपने टेक्स्ट को कॉपी पेस्ट कर दो, कन्वर्ट पे क्लिक करो और आपका जो फॉन्ट है वो यूनिकोड में कन्वर्ट हो जाएगा। यूनिकोड का मतलब ऐसा फॉन्ट, ऐसा टेक्स्ट जो कि आप इंटरनेट पे यूज़ कर सकते हो, इंटरनेट पे यहाँ पे डाल सकते हो, यूज़ कर सकते हो, प्रिंट में भी यूज़ कर सकते हो। तो उसके लिए आप दूसरा ट्यूटोरियल जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से आप इसे देख लो। तो आज के लिए इतना ही। कोई भी डाउट कन्फ्यूज़न हो कमेंट बॉक्स में लिखिए, हमारे एक्सपर्ट्स आपको कॉन्टैक्ट करेंगे, आपकी हेल्प करेंगे पूरी तरीके से। कहीं भी कोई डाउट कन्फ्यूज़न हो बेझिझक हमें कॉल करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम दूसरी चीज़ें देखेंगे। एक बार नीचे लिस्ट आप ज़रूर चेक कर लीजिए, आपके मतलब का जो जो ट्यूटोरियल है सारा एक बार ज़रूर 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 देख लीजिए। थैंक यू।